नमस्कार दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हो चने का, आप अगर प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से और मैं बताऊंगा वैसे अगर खेती करोगे तो सारे के सारे पौधे दोस्तों ऐसे ही रहेंगे दोस्तों। और आप देख सकते हो ये सारे के सारे पौधे कितने शानदार हैं चने के। दोस्तों इस वीडियो में हम काबुली चना और देसी चना दोनों की प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से और अच्छी उपज लेने वाली खेती के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ही आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत करके जानकारी जुटाकर और प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से मैंने खेती पहले खुद की और क्या आपके लिए बढ़िया है क्या नहीं है ये सब देख कर ही मैंने आपके लिए यह वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों मैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है पहले ही कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप फिर बाद में बता सको कि वीडियो कैसी लगी और यही चीज आप अपनाएं दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार जानकारी है। दोस्तों अगर सबसे पहले अपन बात करें कि चने की बुवाई कब करें, तो सबसे बेस्ट जो समय है वो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। लेकिन यदि आपके पास पानी की कमी है तो आप अक्टूबर के पहले सप्ताह में बुवाई कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपके पास खेत खाली नहीं है, यदि आपने कपास वगैरह बो रखा है या धान वगैरह बो रखा है, आपका खेत लेट यानी देरी से खाली होगा, तो आप दिसंबर अंत तक भी दोस्तों खेती कर सकते हो, इसको लगा सकते हो। उसके लिए कुछ किस्में अलग होगी, कम दिनों वाली होगी, उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर बात करें कि बुवाई की दूरी किस प्रकार से रखें, तो लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर के हिसाब से रखें दोस्तों। यानी ज्यादा फैलने वाली किस्मों में 45 सेंटीमीटर और कम फैलने वाली में 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी भी दोस्तों 10 से 15 सेंटीमीटर के हिसाब से रखें। और पहली निराई गुड़ाई में यह पौधे से पौधे की दूरी करके जो अतिरिक्त पौधे हैं उनको निकाल देवें दोस्तों, वरना क्या है कि दोस्तों पौधे गिरते हैं और पौधा सही से स्टेब्लिश नहीं हो पाता है दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें कि बीज दर किस प्रकार से रखें, तो 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छोटे दाने की बीज दर रखें, और बड़े दाने की बीज दर दोस्तों 40 किलो प्रति एकड़, और देरी से बुवाई कर रहे हो तो भी 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखें दोस्तों। बात करें कि चने का बीज उपचार किस प्रकार से करें, तो दोस्तों चने का बीज उपचार मात्र से ही आप 25% तक उपज बढ़ा सकते हो, और यहीं से सारे रोगों और कीटों पर आप टीका लगा सकते हो। दोस्तों अगर बात करें बीजोपचार के, सबसे पहले चरण में उकटा रोग यानी सूखा रोग व अन्य सभी प्रकार के फफूंद रोगों से बचाव के लिए आपको फफूंदनाशक से उपचारित करना है बीज को। उसके लिए प्रति किलो बीज पर 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा वीडी 1% या दोस्तों 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% प्लस मेनकोजेब 63% नामक फफूंदनाशक, या दोस्तों कार्बेंडाजिम 50% WP को 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज पर आपको स्प्रे करना है। उसके बाद बीज को छांव में सुखा देना है, और फिर दूसरे चरण के अंदर आधा घंटा बीज सूखने के बाद दूसरे चरण में दीमक वगैरह से नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20% इसी को आपको 6 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से गोल बनाकर बीज पर स्प्रे करके फिर से छांव में सुखा देना है। अब बीजोपचार के तीसरे चरण में और सबसे महत्वपूर्ण चरण है दोस्तों, इसमें हम राइजोबियम कल्चर या NPK कंसोर्टिया से बीज उपचार करेंगे। हो सके तो NPK कंसोर्टिया से ही करें। इपको का NPK कंसोर्टिया 200 रुपए लीटर आ जाता है, और राइजोबियम कल्चर भी इसी कीमत में आता है दोस्तों। तो NPK कंसोर्टिया से ही बीज उपचार करें। उसमें राइजोबियम के अलावा फॉस्फोरस और पोटास उपलब्ध कराने वाले जीवाणु भी होते हैं, लाभदायक जीवाणु। तो NPK कंसोर्टिया के लिए दोस्तों प्रति 10 किलो बीज के लिए आप 50 ml NPK कंसोर्टिया में 100 से 50 ग्राम गुड़ का घोल मिलाकर बीज पर स्प्रे करें, और दोस्तों बीज को फिर से छांव में सुखा दें और फिर बुवाई कर देवें दोस्तों। अगर अपन बात करें कि बुवाई समय तक कौन कौन से खाद उर्वरकों को देना है और कब कब देना है दोस्तों, तो अगर बात करें तो DAP और NPK 12, 32, 16 तो अपने को देना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये महंगे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, परंतु ये गुलने में इनमें बहुत टाइम लगता है, और अपन पानी बहुत कम देते हैं चने में, कभी कभी सूखे में भी बुवाई करते हैं, तो इनको अपन बिल्कुल स्किप करना है दोस्तों। इनकी जगह दोस्तों प्रति एकड़ के अंदर यानी 40 आरी या 8 कनाल या 1 किला जमीन के अंदर अपने को जो देना है 4 टन गोबर की खाद अगर उपलब्ध हो तो, और 15 किलो बुआई के समय यूरिया देना है, 100 किलो SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट देना है दोस्तों, और 15 किलो ही म्यूरेट ऑफ पोटास देना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप थोड़ा सा खर्चा और कर सकते हो, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए दोस्तों इपको का जो सागरिका दानेदार आता है मात्र 400 रुपये का 10 किलो आ जाता है, उसे आप जमीन में दे सकते हो बुआई के समय। ये सारे खाद उर्वरक बुआई के समय हो गए। यूरिया अपन ने शुरू में इसलिए दिया क्योंकि जो NPK कंसोर्टिया राइजोबियम कल्चर से जो खाद बनना चालू होगा दोस्तों, जैविक खाद, वो 40 दिन बाद में चालू होगा, 35-40 दिन बाद में, तो उससे पहले भी अपने को नाइट्रोजन की तत्व की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें कि बम्पर पैदावार देने वाली
और बेस्ट किस्मों के बारे में। तो देसी चने की दोस्तों सबसे बेस्ट टॉप तीन किस्मों के बारे में बात करें तो पुले विक्रम जीएनजी 1958 और आरबीजी 204 आप खरीद सकते हो। वहीं दोस्तों तो काबुली चने की पूसा 30-22 किस्मों को खरीद सकते हो। मैंने चैनल पर इन सारी किस्मों की जानकारी बता रखी है, इनका पौधा कैसे होता है, इनका बीज कहाँ से प्राप्त करें, तो सब कुछ जानकारी जो आपको भारतीय किसान यूट्यूब चैनल पर चने की खेती नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद में उसको जरूर देख लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको कम पानी वाली और देरी से बुआई वाली किस्में भी चाहिए तो उसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं मैं। ये देखो दोस्तों, देरी से बुआई के लिए आप इन किस्मों को कम पानी वाले इलाकों में इनका चयन कर सकते हो देसी चने के अंदर। और दोस्तों काबुली चने में भी दोस्तों कम पानी वाली किस्मों का इस प्रकार से चयन कर सकते हो। और ये काबुली चने की अन्य किस्में भी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर अपन बात करें कि सिंचाई का प्रबंधन किस प्रकार से करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि मामूली सी गलती आपको महंगी पड़ जाएगी। अगर ज़्यादा सिंचाई कर दी तो चना बहुत ही बड़ा हो जाएगा और उत्पादन बिल्कुल घट जाएगा, और नहीं की तो भी उत्पादन घट जाएगा। तो प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से अगर आप सिंचाई के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आपके पास पर्याप्त पानी की उपलब्धता हो तो जो कम दिनों वाली किस्में हैं, 100 से 110 दिन में जो पकने वाली किस्में हैं, उनमें आप 3 बार पानी दे सकते हो। पहला बुवाई के समय दोस्तों, दूसरा फूल आने से पहले यानी प्री फ्लावरिंग स्टेज पर, और तीसरा दोस्तों दाना बनने की अवस्था में, यानी छोटा छोटा जब दूधिया अवस्था में दाना बनना चालू हो जाए उस समय, तीनों अवस्था में देना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद में जो दोस्तों काबुली चने की और देसी चने की जो 130 से 145 या 150 दिन वाली किस्में होती हैं, जो बम्पर पैदावार देने वाली किस्में होती हैं, जैसे पूसा 30-22 है, तो ऐसी किस्में जो है ये 150 दिन के लगभग पकती हैं, तो इनके लिए अपन क्या करें कि दोस्तों 4 पानी देना जरूरी, पहला बुआई के समय, दूसरा शाखाएं निकलते समय यानी 40 दिन के बाद में, बुआई के 40 दिन बाद में, तीसरा फूल आने से पहले, जब खेत में कहीं कहीं पर फूल दिख जाए दोस्तों उस समय आप पानी दे दीजिए, उसके बाद में चौथा दाना बनने की अवस्था में, वही दोस्तों दाने की दूधी अवस्था में। तो इस प्रकार से आप सिंचाई का प्रबंधन कर सकते दोस्तों। अगर बात करें कि खरपतवार नियंत्रण और रासायनिक खरपतवार नाशक का प्रयोग किस प्रकार से करें और क्या इससे फायदा है या नुकसान, तो दोस्तों हो सके तो रासायनिक खरपतवार नाशक से बिल्कुल बचें, इनसे नुकसान ही होता है, फायदा बहुत कम होता है दोस्तों। और दोस्तों पहली जो निराई गुड़ाई आप करो तो हाथ से निराई गुड़ाई से ही आप निर्भर रहें दोस्तों, इससे ही काम चलावें, और निराई गुड़ाई में ही आप पौधों की दूरी को दोस्तों 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें, अतिरिक्त पौधों को निकाल दें, बचाएं नहीं दोस्तों, उससे नुकसान होगा क्योंकि ये ग्रोथ इनकी सही से नहीं हो पाएगी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप रासायनिक खरपतवार नाशक का फिर भी प्रयोग करना चाहते हो तो आप बुआई के समय पेंडी मिथाली नामक खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हो, जिसे बुआई कर लिए आपने उसके बाद में मेड क्यारियां बनाने के बाद में स्प्रे करके दोस्तों सिंचाई कर दीजिए, पहली सिंचाई कर दीजिए, यानी बुआई के समय जो पानी देते हैं वो, यह क्या करेगा, एक जमीन पर परत बना देगा जिससे बीज तो उग जाएगा चने का, लेकिन ये खरपतवार यानी चारों को नहीं उगने देगा दोस्तों। पेंडी मिथालिन 38.7% जो आता है यह सबसे बेस्ट रहेगा, इसकी डोज लेनी है आपको 600 से 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी दोस्तों यह जो 700 ml का लगभग आता है, इसे 70 ml प्रति पंप के हिसाब से भरकर, यानी 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से भरकर आप 10 पंप प्रति एकड़ यानी 40 सारी जमीन में या 1 किला जमीन में या 8 कनाल जमीन में स्प्रे कर दीजिए। वहीं दोस्तों एक और आता है पेंडी मिथालिन 30%, लेकिन उसका रिजल्ट कम है, अगर यह न मिले तो आप 30% का प्रयोग करना चाहो तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसे स्प्रे इसी प्रकार से कर सकते हो दोस्तों। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या आती है चने में, वो क्या, लंबाई में ज़्यादा बढ़ जाते हैं और शाखाएँ बहुत कम निकलती हैं और फल फूल भी बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों जब फूल निकलना चालू हो जाए तब एक दवाई आती है गर्डा कंपनी की चमत्कार, इसे 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो इससे फल फूल तो बढ़ेंगे, साथ ही साथ दोस्तों लंबाई में कम बढ़ेगा चना और शाखाएं ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब शुरू में फूल निकलना चालू हो जाए तब इसका प्रयोग करें, और 2 स्प्रे करना चाहो तो 15 दिन बाद में इसका रिपीट स्प्रे फिर से कर सकते हो। इसके साथ में आप कीटनाशक, फफूंद नाशक, टोनिक वगैरह मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, NPK भी मिला सकते हो दोस्तों। तो उन दवाइयों के साथ में आप स्प्रे कर सकते हो, जब इल्ली वगैरह की दवाई का स्प्रे करो या अकेला भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बात करें चने में NPK स्प्रे शेड्यूल के बारे में, बेसिकली NPK क्या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं, जिनका आप स्प्रे करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से मात्र 100 रुपये प्रति एकड़ या 1 किला जमीन में या 8 कनाल जमीन में या 40 सारी जमीन में
₹100 से भी कम का खर्चा आएगा और बहुत ही अच्छे फल फूल आप ले सकते हो। अगर दूसरा टॉनिक आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये बहुत ही बेहतरीन है और इसे आप IFCOBAZAR.IN से जो कि सहकारी कंपनी है उससे भी खरीद सकते हो। उसका कोई मालिक नहीं है, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वो आपके फायदे की चीज़ है क्योंकि दूसरी कंपनियाँ ₹150 किलो देती हैं, ये मात्र ₹90-95 किलो ही आपको NPK दे देगी। और दोस्तों NPK के बारे में बात करें, जो शाखाएं निकलते समय और फूल आते समय तो आप NPK 18-18 का 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करिए, बहुत ही शानदार शाखाएं निकलेगी और बहुत ही शानदार फूल निकलेंगे। दोस्तों बाद में दोस्तों जब दाना बनना चालू हो जाए तो उसके लिए आप NPK 0-52-34-0-50 का स्प्रे करें तो दाने का बहुत ही शानदार तरीके से विकास होगा और कीट बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं क्योंकि ये रोगरोधी कीटरोधी भी हैं दोस्तों, तो इसे आप स्प्रे कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार चीज। साथ ही दोस्तों NPK के साथ में भी आप इनको कीटनाशक फफूंदनाशक सारी चीजें मिला सकते हो, कोई दिक्कत। अब दोस्तों अगर बात करें कीट बीमारियों के बारे में तो चने में बेसिकली जो कीटों में सबसे ज्यादा जो कीट लगता है वो इल्ली लगते हैं जो फलियों वगैरह में छेद कर देती हैं, पत्तियों को भी खाती हैं, हरे रंग की इल्ली या दूसरी काली भी हो सकती हैं दोस्तों, ज्यादातर हरी इल्ली लगती हैं। तो दोस्तों जब इल्ली ना आए या इल्ली का आक्रमण अभी नहीं हुआ है तो उस समय उससे बचाव के लिए आप प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हो, ये थोड़ी सस्ती दवाएं और ये आपको कीट बीमारियों से भी बचाएगी, इल्ली से बचाएगी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों जो भी करना चाहो तो एजाडिरेक्टिन 1500 ppm नामक कीटनाशक आता है, उसको 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। ये क्या है कि इल्ली आने से पहले की चीज़ है दोस्तों, इल्ली आ गई तो उसके बाद में एमोमेक्टिन बेंजोट जो अगर दोस्तों इल्ली आ गई तो उसके बाद में आप क्या करें कि एमोमेक्टिन बेंजोट 5% SG को आप 10 ग्राम प्रति 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से या 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। इससे भी आपको महंगी दवाई चाहिए यानी कि जो अच्छा रिजल्ट वाली चाहिए, तो अभी इल्लियों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप प्रति 15 लीटर वाले पंप के अंदर 10 ml सिंजेंटा की एम्प्लिको या 6 ग्राम कोराजन वेस्टिकोर या कोस्को या 5 ml बायर की फेम या 10 ग्राम इप्को की टाबकी बी का भी स्प्रे कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ये इनका शानदार रिजल्ट है। बहुत ज़्यादा इल्लियाँ हो गई तो इनको ही चयन करें। दोस्तों अगर अपन बात करें फफूंद रोगों के बारे में तो चने में जो सबसे महत्वपूर्ण फफूंद रोग लगता है वो है उकटा या सूखा रोग, जिसमें पौधा पूरे तरीके से सूख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये बहुत ही जल्दी फैलने वाला, और रोग आने के बाद में इसका कोई उपचार नहीं है, यानी जो पौधा सूख गया उसको आप जिसमें सूखना चालू गया उसको आप किसी भी दवा से नहीं रोक सकते हो क्योंकि तब तक फफूंद अपना घर बसा चुकी है इसमें। तो इसके लिए क्या करें, तो शुरू में मैंने आपको फफूंदनाशक से बीज उपचार बताएं, उससे अगर आप बीज उपचार करोगे तो इस रोग के आने की संभावना बहुत कम होगी, और मैंने जो किस्में बताई उनमें तो न के बराबर ये रोग आता है दोस्तों, तो उनका आप चयन करते हो तो आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और फफूंदनाशक बीज उपचार करना चाहते हो फिर भी आपके खड़ी फसल में यह रोग दिखाई देता है तो आप उस पौधे को उखाड़ कर बाहर फेंक दीजिए, और अन्य पौधों में यह रोग ना फैले उसके लिए आपको क्या करना है कि सारे स्प्रे जो भी आप स्प्रे कर रहे हो उसके साथ में कार्बेंडाजिम 12% प्लस मेनको जो 63% नमक फफूंद नाशक का आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए ताकि यह रोग आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। अन्य भी फफूंद नाशक आते हैं लोग, लेकिन दोस्तों इससे चने में लगने वाले सारे फफूंद रोग, जैसे आपके फलियों में सड़न आ रही हो दोस्तों, पत्तियां काली पीली पड़ रही हो, पत्तियों पर धब्बे हो रहे हैं, वो सारे कंट्रोल हो जाएंगे। इससे महंगा आपको फफूंदनाशक कोई भी कंपनी वाला कहे तो भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि सारे रोग इससे कंट्रोल हो जाते हैं। अगर आप बीजोपचार करोगे तो वैसे आने की बहुत कम संभावना होगी, आपको महंगा फफूंदनाशक का खर्चा नहीं करना है दोस्तों। दोस्तों ये तो सारी जानकारी हो गई, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो बहुत ही शानदार तरीके से ये चने का उत्पादन लिया है जो आप देख रहे हो, ये किस प्रकार से लिया है दोस्तों, तो उसमें मैंने कम से कम मैं 3 स्प्रे करता हूं दोस्तों, और बहुत ही सस्ती इफ्को की दवाइयां स्प्रे करता हूं जो बाकी कंपनियों से आधी कीमत में पड़ती है दोस्तों, और मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं दोस्तों, फिर से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है, एक सहकारी कंपनी है, जो भी इससे माल खरीद रहा है आप खरीदोगे या मैं खरीदूंगा अपन सब इसके मालिक हैं, और इससे दवाइयाँ खरीदने का फायदा है कि अपना बीमा भी साथ में हो रहा है, साथ ही साथ दोस्तों ये किसी की जेब में पैसा नहीं जा रहा है, ये सब कुछ अपने ऊपर ही खर्च होता है क्योंकि सस्ती दवाइयाँ ये देकर अपने को मात्र ये अपना खर्चा यानी जो खर्चा हो रहा है उसको निकाल के दवाई देती हैं दोस्तों। जैसे आपको कोई दवाई बाजार में ₹100 की मिल रही है तो वो ये आपको ₹60 में ही दे देगी क्योंकि ये ज़्यादा कमाना ही नहीं चाहती, इससे मतलब इफ्को को खोला ही इसलिए गया है क्योंकि किसानों की भलाई हो दोस्तों। तो मैं सारे स्प्रे इफ्को के करता हूँ ज़्यादातर दवाइयाँ, और नहीं मिलती तो फिर दूसरी एक आध दवाई खरीद लेता हूँ। तो जो मैं स्प्रे करता हूँ वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं दोस्तों, जो पहला स्प्रे करता हूँ मैं आपको वो मैं करता हूँ शाखाएं निकलते समय, जो आप देख रहे हो इस प्रकार से मैं पहला स्प्रे कर सकता हूँ, आप भी इस प्रकार से कीटनाशक फफूंदनाशक टॉनिक और NPK का स्प्रे कर सकते हो दोस्तों।
दूसरा जो मैं स्प्रे करता हूँ दोस्तों, वो करता हूँ फूल आने से पहले की स्थिति में। दोस्तों इस समय अगर मेरे पौधे बहुत ही ज़्यादा लंबाई में बढ़ रहे हैं और फूल कम आ रहे हैं, तो मैं गड्ढा चमत्कार मिलाता हूँ उसमें, और इस प्रकार से बाकी दवाइयाँ मैं आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं उस प्रकार से स्प्रे करता हूँ फूल आने से पहले। इसके बाद में दोस्तों मैं जो तीसरा जो स्प्रे करता हूँ वो दाना बनने की अवस्था में, दाने की दूधिया अवस्था में करता हूँ, वो भी स्प्रे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। इस प्रकार से आप इस स्प्रे का चयन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बहुत ही सस्ती दवाइयाँ हैं, घबराएं नहीं, दूसरी कंपनियों के चक्कर में ना पड़ें दोस्तों। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर कोई भयंकर बीमारी लग गई या कोई और समस्या हो गई तो अपन उसका भी दवाई बताएंगे। लेकिन यदि बीमारियां लगती नहीं है दोस्तों ज़्यादा, तो आपको ऐसे महंगा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप देख रहे हो मैंने कितने शानदार तरीके से मैंने उत्पादन लिया है, और मैंने चैनल पर बताई भी है सारी किस्में, आपने खुद ने देखी होगी दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सवाल बच गया तो आप कमेंट में जरूर लिखते हैं दोस्तों, और वीडियो कैसे लगी और मुझे दुआएं जरूर दे दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो। साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।